उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 503 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 50,062 पहुंच गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 648 हो गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 142, उधमसिंह नगर में 32, हरिद्वार में 99, नैनीताल में 71, पौड़ी गढ़वाल में 16, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 72, चमोली में 4, अल्मोड़ा में आज एक भी कोरोना के मामले सामने नहीं आए, जबकि बागेश्वर में 13, चंपावत में 10, उत्तरकाशी में 34 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 50,062 हो गया है। इसमें से 41,095 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 8,076 केस एक्टिव हैं। 648 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी साथ खबर है पौड़ी से, जहां पे कोतवाली में कोरोना ने दी दस्तक, एसएसआई व पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। तो कोतवाली में एक एसएसआई और एक पुलिसकर्मी सहित थाने के समीप एक दुकानदार भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद कोतवाली में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोतवाली में तैनात सभी कर्मचारियों के सैंपल लेकर के घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी की कोर बैठक कल, दिग्गजों ने दून में डाला डेरा। तो कल देहरादून के वीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी देहरादून में मौजूद हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पर नई ट्रैफिक व्यवस्था शुरू, लोगों का जाम के झाम से मिलेगी निजात। तो पिथौरागढ़ में नई ट्रैफिक व्यवस्था शुरू होने के बाद अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वेटिंग पॉइंट भी बनाए हैं। अब ऋषिकेश से सीधे लंदन जाएगी बस, बैठ सकेंगे केवल इतने यात्री। तो ऋषिकेश से लंदन के लिए जल्द बस रवाना होने वाली है। ये संभव होगा ऋषिकेश निवासी भारतीय रेसलर लाभांशु शर्मा के प्रयासों से। जी हां, बता दें कि भारतीय संस्कृति एवं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाभांशु ने एक पहल की है। इसमें इस बार लाभांशु बस लेकर के 20 देशों की यात्रा कर लंदन पहुंचेगी। बता दें कि ऋषिकेश से लंदन पहुंचने में 75 दिनों का समय लगेगा। इस बीच 20 देश आएंगे। NNI की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 20 यात्री ही इस अतुल्य बस यात्रा का हिस्सा बन सकेंगे, जो कि जून 2021 को शुरू हो सकती है। मशहूर कुश्ती खिलाड़ी हिमांशु शर्मा ने बताया कि ऋषिकेश से लंदन के बीच दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। इसे अतुल्य भारत नाम दिया गया है। इस बीच 21,000 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करते हुए यात्रियों को 20 अन्य देशों की सैर कराई जाएगी। यह यात्रा उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू होकर लंदन में खत्म होगी। बता दें कि लाभांशु अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग के जरिए 32 देशों में शांति यात्रा निकाल चुके हैं।